Assalamualaikum guys and welcome once again। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ और वो है बिटकॉइन के अपडेट देना चाहता हूँ। एंड व्हाई डू आई थिंक दैट दिस इज़ गोइंग टू 77,000 75 to 78 रीजन इंशाल्लाह। और ज़रा चार्ट्स को देखते हैं क्योंकि चार्ट्स हमेशा हमें कहा नहीं बताते, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, देर आई एम गोना टेक the Fibonacci retracements and I'm going to lay down on this chart and I'm going to tell you the reason why Bitcoin actually came and stopped at this place। तो मैं जरा ये चार्ट यहाँ से पकड़ के लास्ट जो ये पॉइंट है फ्रॉम दैट वन टू मे बी दिस पॉइंट राइट हियर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। एंड वेरी क्विकली आप लोगों को बताते चलूँ, वो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन केम टू 0.618 लेवल, ठीक है, और ये टूट चुका था। एंड देन इट वेंट टू 786 ऑल द वे अप टू 1.618, तो यहाँ पे आके ये बिटकॉइन रुक गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी गेट डन इज इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची नाउ, ठीक है, इसको मैं ज़रा रीड्रॉ करता हूँ और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो टारगेट्स वो मैं आपको बता देता हूँ वेरी ऑन अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो दिस 52,000 वॉज द लास्ट एरिया दैट बिटकॉइन वेंट अप फ्रॉम टू द बॉटम ऑफ 39,000। और इस कहानी से आप बिल्कुल वाकिफ है और आपको पता है कि क्या हुआ यहाँ पे। एंड 0.618 गॉट ब्रोकन, ठीक है, 786 गॉट ब्रोकन और the one got broken and now we are just trying to retest this blue line, ठीक है। अब ये जो 55 EMA है हम इसको retest कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से इट्स सक्सेसफुल। तो अभी बिटकॉइन कर क्या रहा है वो मेरे हिसाब से इट्स गोना मेक अ W बिकॉज यू कैन सी इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ मेकिंग अ डबल बॉटम राइट हियर, ठीक है, और डबल बॉटम हमेशा बुलिश होते हैं। क्विक फ्लैशबैक, डबल टॉप्स आर वेरी बैड, दे आर बेरिश, प्राइसेस गो डाउन, एंड डबल बॉटम ऐसे जो होते हैं, ठीक है, दे आर बुलिश एंड प्राइसेस गो अप, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव अ डबल डबल बॉटम, ठीक है। और अगर बिटकॉइन शायद मेरे हिसाब से कुछ यूँ कर सकते हैं कि इट कैन मेक अ W लाइक दिस एंड अ W इज़ वेरी बुलिश, और अगर ये W बना लेता है सो यू कैन से फ्रॉम दिस टारगेट टू दैट टारगेट और यहाँ से लेके यू कैन ऑलरेडी सी इट्स अबाउट टू गो टूवर्ड्स 61,000, ठीक है, या इट्स गोइंग टू गो टू 58,000 ऑलमोस्ट। टू से 58,000 इज़ मच मच मोर ऑफ अ सेफ प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये 1.618 लेवल तक चला गया है, ठीक है, वी आर गोइंग टू मूव फॉर द थर्ड वेव, बेसिकली वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड 74,000 रीजन और 77,000 रीजन, ठीक है। ओके, व्हाई डू आई से दिस, तो इस ये सब चीज़ें मिटा देते हैं ज़रा और इसको भी। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फिबोनाची फ्रॉम दिस लेवल और मैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन इज़ मूविंग अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव थ्योरी। नाउ यू माइट थिंक व्हाट द हेल इज़ ऑल दिस, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है। दिस इज़ ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट जो कि आपको बता देता है कि एक ट्रेंड किस डेट को जाकर शुरू हो सकता है। एंड हाउ डज दैट वर्क, वेल बेसिकली व्हाट यू डू इज एक्चुअली यू टेक द टॉप जो कि मैंने लास्ट टाइम 64,000 लिया था टू द बॉटम व्हिच वाज 28,000 एंड समथिंग, और फिर ये आपको आगे की फिबोनाची रिट्रेसमेंट देता है डेट के हिसाब से। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इसने क्या काम किया कि इस पॉइंट पर आकर इट जस्ट वेंट साइडवेज, इट स्टार्टेड गोइंग अप फ्रॉम दिस लेवल, फिर इस लेवल पे आके इट वेंट इवन मोर हाई एंड देन फ्रॉम दिस लेवल इट वेंट डाउन साइड और इस लेवल पे आकर ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया। Now what I'm expecting is until 12th of October we are going to start a new trend और मेरे हिसाब से we could see even a much more bigger trend, maybe even go to 75,000, who knows, ठीक है। But there's a new trend that is going to start on 12th of October, it could be down, okay, keep that in mind, it could be down also। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
देर समथिंग कॉल्ड इज इलियट वेव थियोरी, और इलियट वेव थियोरी यू एक दो तीन चार और पाँच. नाउ द थर्ड वन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वन इन एलियट वेव थियोरीज, ठीक है. और जहाँ तक बिटकॉइन अभी अपना ट्रजेक्टरीज बना रहे हैं, अपना मूवमेंट्स बना रहे हैं, वन एंड टू इज़ डन इन एलियट वेव थियोरी. वी आर लुकिंग फॉर थ्री फोर एंड फाइव. जब फाइव होगा तो वो बुल रन के बिल्कुल एंड पे आ जाएगा, ठीक है. तो अभी यहाँ एक टूल में हम चले जाते हैं, वी कैन सी वी हैव एलियट इम्पल्स वेव वन टू थ्री फोर फाइव. तो दिस वॉज योर वन फ्रॉम 29,000 विच वॉज जुलाई टू 52,000. फिर ये सेकेंड, ठीक है. द थर्ड वन कुड बी 100,000, इट कुड बी 75, बिकॉज द थर्ड वन इज़ ऑलवेज द बिगेस्ट वन, बट आई थिंक इट्स सेफ टू से 77,000. और रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि 77,000 क्यों है, ठीक है. एंड देन द फोर्थ वन वी कुड हैव अंटिल 3rd of December बेयरिश मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड्स देखें कब कब चेंज हो रहे हैं. सो वी कुड हैव द थर्ड वन मे बी गो बैक टू द प्रीवियस हाई जो 64,000 है, और फिर उसके बाद वी कम्प्लीटली टेक ऑफ टू 200,000 विच इज़ माई प्राइस प्रडिक्शन बाई जनवरी, ठीक है. हो सकते हैं जनवरी में जाके ये बुल रन एंड हो सकते हैं डिसम्बर में 18 December में जाके बुल रन का एंड हो, यू नेवर नो. बट आई थिंक 200,000 इज़ गोइंग टू बी द टॉप, ठीक है, यहाँ पे. अच्छा, बट वाई इज़ 77,000 माई प्राइस प्रोजेक्ट? सो टेकिंग फिबोनाची फ्रॉम 64,000 ऑल द वे डाउन टू दिस प्राइस एरिया, ठीक है. मैं अभी के लिए इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ इस टाइम फ्रेम को, और जूम इन करके देखते हैं वाई इज 77,000 द रेंज. सो नाउ यू कैन सी दैट जब हम 29,000 से निकल के हम 52,000 की तरफ चले गए थे, वी हैड अ फर्स्ट रिट्रेसमेंट बिकॉज वी हिट द 0.618, ठीक है, ये गोल्डन रेशियो है. वी नेवर ब्रोक इट एंड वी गॉट रिजेक्टेड, वी केम डाउन एंड 0.382 जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये दिस वन एक्टेड एज अ सपोर्ट, ठीक है. अब इस दफ़ा फाइनली आप देख सकते हैं यार रिसेंटली, ठीक है, वी ब्रोक द 0.618 एंड वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड द 786. मे बी 56,000 में जाके हमें रिजेक्शन मिल जाए एंड वी कैन कीप कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज लाइक दिस, ठीक है, जब तक हम ऊपर ना जाए. तो होगा क्या मेरे हिसाब से, बिकॉज वी ब्रोकन 0.618 एंड वी रीटेस्ट इट सक्सेसफुली, देन इट डज मेक सेंस फॉर अस टू गो टू 1.618, ठीक है. एंड दैट्स वेयर वी कैन क्रॉस 75,000, दैट्स वेयर 1.618 इज ऑल्सो. सो यू कुड सी इवन एट 86,000 पर बिटकॉइन, यू कैन सी बिटकॉइन गोइंग टू 86,000, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल, ठीक है. या तो फिर वी कैन टेक 52,000 ऑल द वे डाउन अगेन टू दिस लेवल जो 39,000 है, एंड वी हैव दिस टू लेवल्स 1.618 एंड वी हैव 2.618. लेकिन द मोस्ट एक्यूरेट राइट नाउ आई थिंक इज 86,000, ठीक है, और एट लीस्ट 75,000. सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है. वी कुड इवन गो हायर, यू नेवर नो, बिटकॉइन कैन ब्लो ऑल द वे, लाइक 86,000 को क्रॉस करते हुए 1,00,000 पे जाके, ठीक है, इट कुड वी मेक द थर्ड वेव. द थर्ड वेव कुड एक्चुअली बी इवन मच मच मोर हायर, यू कैन जस्ट टेक इट ऑल द वे टू 100,000, ठीक है. लेकिन ये इंशाल्लाह ताला ऐसे कुछ होगा. सो कीप दैट इन माइंड एंड ट्रेड वेरी कॉशियसली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं इस तरह के वीडियोज़ अपडेट में बीच बीच में किया करूँगा. सो थैंक यू सो मच.